नहीं, आज तो आप सवेरे पूछ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम देख रहे थे, उसके लिए हमने इन लोगों को डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को कहा था कि क्या अद्यतन स्थिति है। कुछ दिन पहले से समस्या तो है ही, तो जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से इन लोगों ने मुझको जो बताया, जानकारी दी है कि ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है, जो पहले आपूर्ति होती थी उस हिसाब से या तो जो NTPC से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहां से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है वहां से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही, सप्लाई कम हो गया है, तो सप्लाई कम होने के कारण यानी वहाँ पर जो भी होगा उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद है कि अब करीब करीब वो नॉर्मल स्थिति में पहुँच जाएंगे। उन्होंने पूरा डिटेल दिया है, पूरा डिटेल जानकारी दी कि कितना कमी थी, अब इसके बाद और जो अन्य जगहों से लिया है ज़्यादा दाम से खरीद रहे हैं, अब कितना करीब करीब 90 करोड़ का अब दिया है। देखें अभी जितना ले रहे हैं, हाँ, अब 5 दिनों में विद्युत एक्सचेंज से लगभग 570 लाख यूनिट बिजली की खरीद की गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपया। अब उसके चलते जो उस खरीद के पश्चात पीक आवर में लगभग 5500 से 5600 मेगावाट बिजली उपलब्ध हुई, मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है जो हम लोगों का जिससे तय था, या तो NTPC का या प्राइवेट जो जितने हैं इसमें उनके साथ जो तय हुआ था, तो जो कम मिलने लगा तो फिर दूसरी जगह से इन लोगों ने जो खरीद शुरू किया है इसके लिए अपने लोगों के लिए, उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन किया जा रहा है। ये तो हमेशा कहा ही जाता है कि देखभाल करनी है और लोगों की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तो कर रहे हैं। समस्या तो है ही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ से आपूर्ति होती थी वहाँ उनका उतना उत्पादन नहीं है, कोई कारण है जिसके चलते ये स्थिति है। तो और ऐसी